राजा की मृत्यु हुई और उसके हाथ में सबसे अच्छा अवसर आया है कि अब झांसी मेरे अधीन हो जाए। परंतु उसको ये नहीं पता था कि झांसी की रानी खुद एक बहुत मर्दानी है, मर्दों के समान वीरता रखने वाली है। तो रानी के एकदम हर्षपूर्ण आंखों में भी एक तरह से क्रोध आया। वह क्या कहती है, नहीं मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। तो यहाँ पर आगे में बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो है अंग्रेज है लोगों पर पूरे भारत में उन्होंने अपना शोषण शोषण की चरम सीमा पर चल रहा था। तो देखते हैं कुटियों में भी विषम वेदना, यहाँ पर जो कुटिया यानी जो गरीब थे, गरीब अमीर सभी है जो अंग्रेजों के शोषण के शिकार हो रहे थे, कुटियों में भी विषम वेदना, कुटियों में भी विषम वेदना, यानी जो है गरीब लोग भी यह वेदना सहन कर रहे थे, कष्ट सहन कर रहे थे। महलों में से तात्पर्य अमीरों आहार की वहां पर उनका भी क्या है, अपमान हो रहा था। महलों में भी क्या है, उनका अपमान हो रहा था, यानी गरीब और अमीर दोनों ही अंग्रेजों के शोषण के शिकार हो रहे थे। वीरों के मन में, वीरों के मन में क्या था, वीरों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर थे क्या करते थे, वीर है अंग्रेजों के शोषण के शिकार हो रहे थे, परंतु अभी भी उनके अंदर जो ज्वाला थी, पुरखों का जो अभिमान था, वह था कि नहीं हम उनके खिलाफ बगावत करेंगे। क्या करेंगे, हम इनके खिलाफ बगावत करेंगे। नाना धूनू और पेशवा, आपने नाम सुन रखा होगा बेटा, नाना धूनू और पेशवा, ये कौन है, लक्ष्मीबाई इनकी बहन बनी थी, क्या था लक्ष्मीबाई इनकी, और ये भी अंग्रेजों को बाजार से बाहर निकाला था। ये तो चाहते कि पूरा ये तो इन्होंने लोगों को है जागरूक किया था, इन्होंने पहले जागरूक किया था, और लक्ष्मीबाई इनकी है वो बोली बहन बनी थी कि नाना पेशवा जुटा रहा था सब सामान, यानी अंग्रेजों को बाहर निकालना है, जुटा रहा था सब सामान, क्या करना है, सामान जुटा रहा है यानी अंग्रेजों को बाहर निकालना है। और है सभी लोगों को इकट्ठा करना है, क्या है, सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर है सभी है अपना कार्य करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो वही तो सामान जुटाएगी। ये ऐसा तो नहीं है कि वह एक एक चिंता करे नहीं है, लोगों को है ये लोगों उनको बाहर निकालने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ बातें उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हम पर है शोषण कर रहे हैं, हमको है मार रहे हैं, हमारे सारे जो है सामान निकाल रहे हैं। तो वो सामान वाले हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से अंग्रेजों ने रानियों का सामान वगैरह सब बिकवा दिया था, जो उनकी इज्जत थी वो है बाजार में नीलाम हो रही थी। तो वही है कि जुटा रहा था सब सामान, वही छबीली ने, वही छबीली, यहाँ पर छबीली कौन, लक्ष्मीबाई, यहाँ पर बहन छबीली कौन है, बहन छबीली है लक्ष्मीबाई, बहन छबीली ने रण चंडी का, मैं क्या है, बहन छबीली ने रण चंडी का कर दिया आह्वान, क्या क्या है, कर दिया आह्वान, उसने स्वतंत्रता की लहर छेड़ दी है, लोगों को जागरूक कर दिया है, इनका यज्ञ आरंभ हो गया है, क्या क्या है, इनका अब यज्ञ आरंभ हो गया है, हुआ यज्ञ आरंभ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यज्ञ आरंभ हो गया है, कौन सा यज्ञ, स्वतंत्रता आंदोलन का, जो है उनको भगाना है, क्या है, अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है, उन्हें क्या क्या है कि जो है उन्हें रणचंडी, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया, कर आह्वान, हुआ यज्ञ आरंभ,
प्रेजेंट कर रहे थे। रानी रोई रानी वास्तव में क्या कर रहे थे? रानी रोई नंदीवास में, रानी है नंदीवास में रो रही है क्योंकि अब यहाँ पर रानी, जैसे यहाँ पर क्या बताया हिंदू राजा, क्या क्या है अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू राजा मुगल सभी को है अपने अधीन कर लिया। क्या किया था अंग्रेज, क्या चाहते हैं उन्होंने पूरे पूरे भारत पर है अंग्रेजों का शासन उन्हें लग गया, तब रानी बाजार में
बिक रही है, उनके गहने कपड़े जो कभी लोग देख ही नहीं पाते थे वो है आज कलकत्ते के बाजार में बिक रहे हैं, और उनके नीलामी की खबरें छपती है और अंग्रेज वहां पर उनको लेने के लिए जाते हैं। तो वही है कि परदेसी की इज्जत है, अब परदेसी के हाथ बिकनी शुरू हो गई। आगे का देखते हैं बेटा कि अब है उन्होंने ये कार्य तो किया ही किया, अब क्या है ये तो कार्य किया ही किया, अब है पूरा पूरा जो भारत के इतने सारे राज्य थे उन सबको है अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने जो भारत के इतने सारे राज्य थे उन सबको अपने कब्जे में लिया, किस तरह से देखो छीनी राजधानी दिल्ली, छीनी राजधानी दिल्ली की यानी राजधानी दिल्ली उसको है छीन लिया, लखनऊ छीना, क्या क्या है लखनऊ ने छीना, अंग्रेजों ने क्या क्या लखनऊ छीना बातों बात कि लखनऊ को भी छीन लिया, यानी जो है दिल्ली को भी छीन लिया लखनऊ को भी अब छीन लिया था। कैद पैसा था रिपू में, कैद पैसा था और पेशवा को भी बिठूर में कैद कर लिया था, क्या पेशवा को भी बिठूर में कैद कर लिया था। हुआ नागपुर पर भी राज, हुआ नागपुर पर भी राज, नागपुर पर भी राज होने लग गया है, यानी उन्होंने जो धोखे से नागपुर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। उदयपुर तंजोर सतारा, उदयपुर तंजोर सतारा ये जगहों के नाम है, इनको भी क्या है अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया है। कर्नाटक की कौन दिशा, कर्नाटक की कौन दिशा, कर्नाटक की कौन यानी कोई भी राज्य है अंग्रेजों से अछूता नहीं रहा है, सभी सभी राज्यों को यानी पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन हो रहा है, जबकि जबकि सिंध, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर ये देखिए कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपने सभी राज्यों क्या है अपनी मतलब इनकी चालाकी का है, धूर्तता का है, इन्होंने सबको छीना है, ये इनसे सबसे जबरदस्ती छीन रहे हैं। तो पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था, अभी हुआ था वज्रनिपात यानी ऊपर भी वज्र गिर गया, पंजाब और सिंध ब्रह्म ये भी अछूते नहीं रहे और उनके ऊपर भी वज्र गिर गया, यानी उसको भी है अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया है। बंगाल मद्रा ये भी क्या है देख लो उन्होंने ले लिया है, बंगाल मद्रा आदि की भी यही कहानी थी, यही कहानी थी। अब कितने सारे राज्य थे जिनके नाम गिना थे, दिल्ली आया, लखनऊ आया, बिठूर आया, नागपुर आया, उदयपुर, तंजोर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्म, बंगाल, मद्रास सभी की यही कहानी, कितने सारे राज्यों को यानी उन्होंने धोखे से है अपने अंडर में कर लिया, अपने अधीन कर लिया है। आदि की भी यही कहानी थी, बूंदे ले रहा बोलोगे।
अधिकारी अभी वह बहुत कम उम्र की थी। अभी उसकी उम्र कितनी थी? 23 की।
कि मर्दानी जो मर्द के रूप में जिस तरह से वह नारी है, मर्दानी